हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोल्डी और आप देख रहे हैं टेक अपडेट। आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आजकल बहुत लोग बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा फील्ड है जिसमें हम जॉब कर सकते हैं, जिसके यूज़ करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा न्यू इमर्जिंग फील्ड है, बट डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट न्यू। बहुत साल पहले हम बात करते थे कि बिल बोर्ड्स होते थे, हम रोड पे जा रहे होते थे और साइड्स पे हमें ना बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती थी। तो आज ये टाइम बदल गया है। बिल बोर्ड्स के बाद आई टीवी की बारी। टीवी में हम जब एड्स देखते हैं तो भी ये एक बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग ही है, बिकॉज इसमें हम डिजिटल मीडियम को यूज़ कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत पहले से यूज़ हो रहा है, बट अब ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की बारी आई है जिसमें यूज़र्स जो ऑनलाइन होते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। अब बात आती है ऑनलाइन यूज़र कहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ऑनलाइन यूज़र जो है वो गूगल पे सर्च करता हो सकता है किसी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ऑनलाइन यूज़र फेसबुक पे हो सकता है, ऑनलाइन यूज़र इंस्टाग्राम पे हो सकता है। तो ये सारी जगह है जहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट के लिए टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन मोटिव क्या है डिजिटल मार्केटिंग का? मेन मोटिव डिजिटल मार्केटिंग का यही है कि अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को जो यूज़र्स ऑनलाइन बैठे हैं उनके तक पहुंचाना है, ठीक है। उनको इसके बारे में जानकारी देनी है कि ये हमारे प्रोडक्ट हैं, ये हमारी सर्विसेज हैं, एंड दे कैन बाय इट एंड दे कैन यू नो यूज़ देयर सर्विसेज। तो अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग किन किन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो बेसिकली इसमें 7 कैटेगरीज हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग में स्टडी की जाती हैं। पहली है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है, किसी की साइट को हम जब गूगल की सर्च करते हैं तो पहले पेज पे या सेकंड पेज पे लेके आने को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, कि किसी की वेबसाइट कितनी जल्दी गूगल पे फाइंड होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्च इंजन मार्केटिंग। अगर मान लो उसकी साइट नहीं है और अभी नहीं आ रही है गूगल की सर्च पे पहले या दूसरे पेज पे, तो उसको एडवर्टाइज किया जा सकता है पहले पेज पे लाने के लिए, जो कि एड्स एज ए एड्स डिस्प्ले होगी, ठीक है। इसको हम कहेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग। तीसरा आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? कंटेंट मार्केटिंग में हम यूजर्स को बताते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में यूजिंग ब्लॉग्स, ठीक है, और यूजिंग कंटेंट जो हम फेसबुक पे शेयर करते हैं या फिर कोई और सोशल मीडिया जो मीडियम होता है उसके थ्रू हम शेयर करते हैं, जिससे यूजर्स को पता लगता है कि हम कौन सी प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये कंटेंट वीडियो हो सकता है, ठीक है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में हो सकता है। तो मैनी टाइप ऑफ कंटेंट्स आर देयर, ठीक है। तो उसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। फोर्थ नंबर इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें क्या किया जाता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक जो बेजर हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम्स हैं, इनमें एड्स दी जाती हैं, ठीक है। एड्स के थ्रू बताया जाता है लोगों को कि हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारी सर्विसेज ये हैं, एंड यू कैन यू नो बाय प्रोडक्ट फ्रॉम अस। तो उसके बाद आता है पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में। पे पर क्लिक में क्या होता है कि गूगल जो है आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको सर्च पेज पे एडवर्टाइज करती है, बट आपसे तब तक पैसे नहीं लिए जाते जब तक कोई बंदा उसको क्लिक नहीं करता। जब कोई यूजर उस पर क्लिक करता है तभी आपको पैसे देने पड़ते हैं, इसीलिए इसको पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। तो ये बहुत ही यू नो यूज़फुल होती है जब आपने जो ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पे डाइवर्ट करना हो, या आपने नया बिजनेस शुरू किया है और आपको कॉल्स नहीं आ रही हैं, तो आप ये पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट किसी का होता है, बट जो यूज़र्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उनको प्रोडक्ट बेचने के लिए। जैसे कि अमेज़न के प्रोडक्ट हैं, आप अमेज़न की जो प्रोडक्ट हैं उनका लिंक लेके आप अपने ब्लॉग्स में रेफ़र कर सकते हो अमेज़न के प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो जब आप उनको रेफ़र कर रहे हो तो दिस इज़ कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो आपको रेफरेंस का जो अमाउंट होता है वो आपको मिल जाता है इस केस में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ द ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके जो भी लॉयल कस्टमर्स हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाते हो और उनको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ईमेल्स भेजे जाते हैं, ठीक है। एक ऐसा एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल ईमेल्स एक ही टाइम पे सेंड कर सकते हो, शेड्यूल्ड ईमेल सेंड कर सकते हो, जिनमें उन यूज़र्स को कूपन्स दिए जाते हैं, उन यूज़र्स को नई नई स्कीम के बारे में बताया जाता है। तो इससे आप
इन टच रहते हो अपने लॉयल कस्टमर्स के साथ। तो ये सात वो पिलर्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जिनको आप स्टडी करके डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। तो ये हमने आपको बताया कि बेसिक डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ठीक है। तो अब इसमें क्या कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं, इसमें डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए बेसिक गूगल आपको फ्री ट्रेनिंग भी देता है एंड फ्री सर्टिफिकेशन भी देता है। अगर वो आप टर्म जो पूरी कर लेते हो सर्टिफिकेशन, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये अगर आप जानना चाहते हो कैसे आप गूगल से वो कर सकते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ये सारे प्रोसेस आप कैसे कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।